सुपर इजी योगा एक्सरसाइज टू रिड्यूस बेली थाई हिप फैट। दोस्तों, वजन कम करने के लिए जहां डाइट एक अहम भूमिका निभाती है, तो वहीं योगा भी एक ऐसी चीज है जिसकी मदद से आप आसानी से अपना वजन कम कर सकते हैं। और ना सिर्फ वजन कम करने में, बल्कि योगा आपको हेल्दी रहने में भी मदद करता है और काफी सारी बीमारियों से भी आपको दूर रखता है। और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा समय निकालने की भी जरूरत नहीं है। आप थोड़ा सा समय निकाल कर इसको घर पर ही आसानी से कर सकते हैं और इसके इतने बेहतरीन लाभ आपको मिलेंगे जितने आपने कभी सोचे भी नहीं होंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ ऐसे ही योगा के बारे में जिनकी मदद से आप आसानी से अपने पेट, थाई और हिप के फेट को सिर्फ 2 हफ्तों में ही कम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 1. मैंदुकासाना। दोस्तों, इस आसन से पेट के सभी अंगों की अच्छी मालिश होती है, जिससे अंग अच्छे से काम करते हैं और साथ ही यह आसन वजन को भी कंट्रोल करता है। इस तरह यह उन लोगों के लिए ज्यादा प्रभावी है जो पेट कम करने की कोशिश कर रहे हैं, और कब्ज और अपच की स्थिति में भी यह आसन बहुत असरदार है। यह पैंक्रियाज को उत्तेजित कर डायबिटीज को कंट्रोल करने में भी बहुत मदद करता है, और साथ है दमा के मरीजों के लिए भी मंडुकासन एक आशाजनक उपचार है, और नियमित रूप से फ्रॉग पॉज करने से कंधों को बहुत आराम मिलता है। और मासिक धर्म की ऐंठन को कम करने के लिए भी आप इस आसन को नियमित रूप से जरूर करें। अवसाद, चिंता और तनाव को दूर करने में भी मंडुकासन बहुत लाभकारी है। अब देखते हैं कि आपको इस आसन को कैसे करना है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले वज्रासन में बैठें। अब अपनी मुट्ठी को बंद करें, जिसमें अंगूठे बाहर की तरफ हों। अब मुट्ठी को नाभि चक्र और जांग के पास लेकर जाएं और ऐसे दबाव बनाएं कि मुट्ठी खड़ी हो और अंगूठे अंदर की तरफ हों। सांस बाहर की ओर छोड़ते हुए पेट को अंदर की तरफ खींचें। अब धीरे धीरे आगे की तरफ झुकें। ध्यान रखें, आगे झुकते हुए आपकी छाती जांग को छुए। आगे झुकते समय यह भी ध्यान रखें कि नाभि पर ज्यादा दबाव पड़े। इसके बाद सिर और गर्दन उठाए रखें और एक आंख खोलकर मेंढक की तरह सामने की ओर देखते रहें। जब तक आप कर सकते हैं, इसी मुद्रा में रहने की कोशिश करें। धीरे धीरे सांस लें और धीरे ही सांस छोड़ें। अब पोजीशन को बनाए रखते हुए सांस धीमी करें और वापस अपनी पोजीशन में आ जाएं। शुरुआती दौर में इसे 3 से 5 बार करें और फिर धीरे धीरे करके आप इस बढ़ा भी सकते हैं। बिजी होने के बावजूद भी आप सिर्फ 10 मिनट के लिए इस आसन को अपने रूटीन में शामिल करें और कुछ ही दिनों में आप अपनी सेहत में अंतर खुद महसूस करने लगेंगे। 2. अधोमुखा स्वानासाना। दोस्तों, वजन कम करने के साथ साथ आपके शरीर को फ्लेक्सिबल बनाने और अच्छी शेप देने के लिए ये योगा काफी अच्छा है, और खासकर इससे आपका पेट और कमर का फैट कम होता है और इसे आप घर पर ही आसानी से कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इस योगा को आपको कैसे करना है। दोस्तों, इस योगा को करने के लिए सबसे पहले आप बिल्कुल सीधे खड़े हो जाए। ध्यान रहे कि आपका सर, कंधे और कमर सब बिल्कुल सीधे रहने चाहिए। अब आप अपने शरीर को कमर से आगे झुकाते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ लेके जाए, और फिर आपको अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ जमीन पर रखना है और साथ ही अपने सर को भी नीचे जमीन की तरफ झुका ले। इससे आपके शरीर का सारा वजन आपके हाथों पर पड़ेगा। अब आपको 5-10 सेकंड तक इसी पोज में रहना है और उसके बाद आप धीरे धीरे नॉर्मल पोजीशन में आ जाए। शुरुआत में आपको इस योगा को 5 बार करना है और फिर 1 हफ्ते बाद आप इसे बढ़ाकर 10 बार भी कर सकते हैं। इस योगा के बाद भी आपको 10 सेक्सेट का ब्रेक लेके फिर अगला योगा करना है। 3. धनुरासना। दोस्तों, ये एक ऐसा योगा आसन है जिसको करने से आपके टमी का फैट आसानी से कम होता है और साथ ही आपका शरीर फ्लेक्सिबल भी बनता है। अब देखते हैं कि इस योगा को आपको कैसे करना है। इस योगा को करने के लिए सबसे पहले आप जमीन पर एक मैट बिछाकर उल्टे लेट जाएं। अब आप अपने दोनों पैरों को आपस में जोड़ लें। इसके बाद आपको धीरे धीरे करके अपने पैरों को ऊपर की तरफ लेकर जाना है। साथ ही आपको आगे की तरफ से अपने हाथों को भी पीछे की तरफ लेकर जाना है। इसके बाद आपको अपने हाथों से अपने दोनों पैरों के टखनों को पकड़ना है। ध्यान रहे कि इस योगा को करते समय आपके घुटने भी जमीन से ऊपर होने चाहिए, और जब आप अपने हाथों को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे तो उस दौरान आपको अपनी अपर बॉडी को भी जमीन से ऊपर उठाना है। इस तरह से आपका शरीर एक धनुष के आकार में आ जाएगा। कुछ देर तक इसी पोजीशन में रहने के बाद आप नॉर्मल पोजीशन में आ जाए। शुरुआत में आप इस योगा को 5 बार करें और फिर 1 हफ्ते बाद आप इसे बढ़ाकर 10 बार भी कर सकते हैं। इस योगा को करने के बाद भी आपको 10 सेकंड का ब्रेक लेना है और फिर दूसरा योगा करना है। 4. सर्वांगासाना। दोस्तों, यह आसन भी वजन कम करने के लिए काफी अच्छा है, क्योंकि इस आसन को करने से आप अपने शरीर में एक खिंचाव जैसा महसूस करते हैं, जिससे आपकी बॉडी अच्छे से स्ट्रेच होती है और आपका फैट भी आसानी से कम होता है और आपका शरीर हेल्थी भी रहता है। अब देखते हैं कि आसन को आपको कैसे करना है।
इस योगा को करने के लिए सबसे पहले आप जमीन पर बिल्कुल सीधे लेट जाए। अब आपको धीरे धीरे करके अपने दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए जमीन पर रखना है। इसके साथ साथ आप अपने दोनों पैरों को आपस में मिलाकर भी रखें। अब अपने पैरों के साथ साथ आपको अपने हिप्स और अपनी कमर को भी ऊपर हवा में उठाना है, जिससे सिर्फ आपके कंधे और आपका सर ही जमीन से लगे रहेंगे। इसके बाद आप अपने दोनों हाथों से अपने दोनों पैरों को नीचे से पकड़े डेच ले। अब आपको इसी पोज में 5-10 सेकंड तक रहना है और फिर नॉर्मल पोजीशन में आ जाना है। शुरुआत में आप इसे 5 बार करें और फिर एक हफ्ते बाद आपको इसे बढ़ाकर 10 बार करना है। 5 त्रिकोणासना, दोस्तों बेली फैट और आपके साइड फैट को कम करने और साथ ही आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए ये योगा भी काफी अच्छा है और इससे आपको पूरे शरीर में एक स्ट्रेच जैसा भी महसूस होगा। अब देखते हैं कि इस योगा को आपको कैसे करना है। इस योगा को करने के लिए सबसे पहले आप बिल्कुल सीधे खड़ीड़े हो जाए। अब आप अपने दोनों पैरों के बीच में थोड़ा गैप कर ले और उसके बाद अपने दोनों हाथों को बिल्कुल सीधा करके अपने सर के ऊपर लेके जाए। अब आपको एक तरफ को अपनी कमर को झुकाते हुए उसी तरफ अपने हाथ को भी जमीन से लगाना है। एक हाथ को बिल्कुल जमीन पर टेक ले और अपने बाहर वाले हाथ को ऊपर हवा में ही रखे। अब आपको 30 सेकंड तक इसी पोजीशन में रहना है और फिर वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाना है और फिर आप अपने दूसरे साइड से भी इस योगा को करें। इस तरह से शुरुआत में आपको इस योगा को दोनों तरफ से 4-4 बार करना है और फिर एक हफ्ते बाद आप इसे बढ़ा कर दोनों तरफ से 6-6 बार भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये है वो 5 आसन जिनको अगर आप रोजाना करते हैं तो सिर्फ 2 हफ्तों में ही आपका बेली थी